हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूँ। आज का वीडियो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए खास होने वाला है जो वीवो के फैंस है, जो वीवो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और जो बहुत ही जल्द वीवो का कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय बाजार में वीवो कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो Y20A लॉन्च कर दिया है। इससे पहले भी दोस्तों वीवो कंपनी अपनी Y20 सीरीज के दो और स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है, जो है दोस्तों वीवो Y20 और वीवो Y20i। दोस्तों Y20i का ही अपग्रेड वर्जन माना जा रहा है Vivo Y20a को। Vivo Y20a में दोस्तों आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल की नॉच डिस्प्ले, 5000 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों Vivo Y20a को कंपनी ने दो कलर वेरिएंट और ट्रिपल ए कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया है। तो आइए दोस्तों आपको बताता हूँ कि Vivo Y20a के फीचर्स क्या है और ये स्मार्टफोन आपको कब मिलने वाला है और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूँ जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्चेटेक। चलिए शुरू करते हैं। डिजाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी डिजाइन इस स्मार्टफोन में दी गई है। ग्लोसी बैक पैनल डिजाइन के साथ यह स्मार्टफोन दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी दोस्तों फ्रेम प्लास्टिक की है और यह स्मार्टफोन दोस्तों पॉलीकार्बन बॉडी से बना हुआ है। यह स्मार्टफोन दोस्तों एंड्रॉइड 11 पर आधारित फ्रंट टच ओएस 11 पर काम करता है। आपको बता दूं दोस्तों कि 20,000 के प्राइस सेगमेंट में आने वाले स्मार्टफोनों में ही दोस्तों ज्यादातर आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। यह दोस्तों इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में आपको इस प्राइस सेगमेंट में एंड्रॉइड 11 दे रहा है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.51 इंच की हेलियो फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो एंड दोस्तों 81.57% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों आपको Vivo Y20a में Qualcomm Snapdragon 439 प्रोसेसर दिया गया है, जो दोस्तों डेली टास्किंग और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। साथ ही Vivo Y20a में आपको मल्टी टर्बो 3.0 और अल्ट्रा गेम मोड भी मिल जाएगा। फोटोग्राफी के लिए दोस्तों आपको Vivo Y20a में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें दोस्तों 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का बुके मोड दिया गया है। वहीं दोस्तों वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ्रंट साइड आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा पोज मास्टर, AI फेस ब्यूटी, सेल्फी फिल्टर्स, पोर्ट्रेट बुके मोड भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं। Vivo Y20a में दोस्तों आपको 5000 मेगाहर्ट्ज की जंबो बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 10 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जो आपके स्मार्टफोन को दोस्तों 110 से 15 मिनट में ही 100% चार्ज करके दे देगा। इसके अलावा दोस्तों आपको रिवर्स चार्जिंग की फैसिलिटी भी Vivo Y20a में मिल जाएगी। Vivo Y20a की बैटरी को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि यह 17 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन HD मूवी स्ट्रीमिंग कर सकता है और 10 घंटे से ज्यादा अधिक गेमिंग। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों आपको Vivo Y20a में साइड माउंट और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को 0.26 सेकंड में ही अनलॉक कर देगा। इसके अलावा दोस्तों आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ब्लूटूथ 4.2, माइक्रो USB पोर्ट, GPS और FM रेडियो आदि की कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। Vivo Y20a को कंपनी ने सिंगल रैम और स्टोरेज वेरियंट के साथ लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन दोस्तों आपको 3GB रैम और 64GB फ्रंट स्टोरेज के साथ देखने को मिलने वाला है, जिसे दोस्तों आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसका पहला कलर है दोस्तों नेबुला ब्लू और दूसरा कलर है डाउन व्हाइट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर दोस्तों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।